एक ऐसा बंदर जिसकी वजह से आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष की सभी जानकारियां जुटा पा रहे हैं और मानव मिशन को कामयाब बना पा रहे हैं। 1960 के दशक में अंतरिक्ष में जाने की बड़ी होड़ मची थी कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन जाएगा, परंतु अंतरिक्ष की कम जानकारी के कारण सीधे इंसान को अंतरिक्ष में भेजना संभव नहीं था। वैज्ञानिकों ने चिंपांजी बंदर का सहारा लिया जो इंसानों की तरह ही बुद्धिमान होते। यह बंदर खरीद कर लाया गया था, इसके साथ और भी बंदर लाए गए। इस मिशन में हेम चिंपांजी के अलावा 40 और चिंपांजी को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था, जिसमें से केवल 2 साल का हेम चिंपांजी ही ट्रेनिंग में पास हो पाया। नासा के वैज्ञानिकों ने 31 जनवरी 1961 को जब पहली बार किसी बंदर को अंतरिक्ष में भेजा था, जिसे नासा ने अपने स्पेस मिशन के लिए सब्जेक्ट नंबर 65 नाम दिया था, जो बाद में हेम चिंपांजी पड़ा। सीखने के दौरान जब कभी कोई चिंपांजी गलती करता था तो उसके पैरों पर इलेक्ट्रिक करंट दिए जाते थे। सही काम करने पर उसे बनाना फ्लेवर के कुछ खाने दिए जाते थे, जिससे चिंपांजी खुश रहे और सही डिसिप्लिन मैनर में काम करे, क्योंकि यह स्पेस मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। 31 जनवरी 1961 को सब्जेक्ट नंबर 65 को स्पेस सूट पहनाया गया। इस स्पेस सूट में कई सेंसर लगे थे, जिससे उसके दिल की धड़कन, सांस और बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर किया जा सके। फ्लोरिडा के एक सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट MR2 में सब्जेक्ट नंबर 65 को उसके कैप्सूल में बैठाकर लॉन्च कर दिया। फाइनली इस एक्सपेरिमेंट के बाद सब्जेक्ट नंबर 65 यानी हेम चिंपांजी का कैप्सूल वापस धरती पर 130 किलोमीटर दूर अटलांटिस महासागर में उतरा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सब्जेक्ट नंबर 65 यानी हेम चिंपांजी को कैप्सूल से बाहर निकाला गया तो वो बहुत ही डरा हुआ था, और उन्होंने उसे इतना डरा हुआ और घबराया हुआ हालत में पहले और कभी नहीं देखा। वैज्ञानिकों का यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा।